नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ICAR टेक्नीशियन का एंसर की जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आ सकता है और कितना कटअप जा सकता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ICAR का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट अपना आंसर की देख लिए होंगे और आप लोग को अपना स्कोर मालूम चल गया होगा। जो लोग आंसर की नहीं देखे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर की का लिंक डाल दिया हूं। आप लोग वहां से जा करके अपना आंसर की देख सकते हैं और आप लोग पता कर सकते हैं कि आप लोगों का रॉ मार्क्स कितना आया है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए दोस्तों, 100% आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। जब भी आपको एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया होता है वो 100% होता है। तो आप लोग का जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो करीब करीब 5 से लेकर के 7 नंबर आप लोग के रो मार्क्स से इंक्रीज कर सकते हैं। हो सकता है कि जिनका शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हो उनको 10 से लेकर के 12 नंबर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप लोग अपने रो मार्क्स में इतना नंबर जोड़ करके देख सकते हैं कि आप लोग जो है कटअप के अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं आते हैं। जहां तक बात हुआ रिजल्ट का, तो देखिए दोस्तों, आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो 100% मार्च में जारी कर दिया जाएगा। मार्च के लास्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट आ सकता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर आप लोग का रिजल्ट डिले हो भी जाता है तो अप्रैल के तो फर्स्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट 100% आ ही जाएगा। जहां तक बात करें कटअप का, देखिए दोस्तों, कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अप्लाई किए थे, इसी कारण से जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट आप लोगों को 10 जनवरी था उसको बढ़ा करके 20 जनवरी कर दिया गया। तो ऐसे में जो कटअप है सो बहुत ज़्यादा जाने का चांस है, क्योंकि बहुत ही अधिक मात्रा में जो आपको कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भरे थे और पूरे इंडिया में मात्र 641 सीट है। जब भी मैं आप लोगों को कटअप बताता हूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस पर में गुस्सा जाते हैं कि सर इतना हाई कटअप नहीं जाएगा। आप खुद सोचिए कि जहाँ पर इतने लाखों लाखों छात्र भरे हैं वहाँ मात्र 650 स्टूडेंट चुन करके आएंगे, तो कटअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ जाने का उम्मीद है। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग युवा कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को रो मार्क्स 70 से 75 तो आना ही चाहिए। अगर उसके बाद अगर आप लोग OBC से आते हैं तो 5 से 7 नंबर कम कर सकते हैं। अगर EW से आते हैं तो आप लोग जो हैं 3 से 4 नंबर कम कर सकते हैं। उसी ठीक प्रकार से SC और ST वाले जो हैं वो आप लोगों को 4-4, 5-5 नंबर करके कैटेगरी वाइज कम आता है इतना इतना नंबर। तो उस हिसाब से आप लोग अपना अपना जो है स्कोर के अनुसार से समझ सकते हैं कि मैं कटअप पार करूंगा या फिर नहीं करूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।